कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के बाहर मोदी का पुतला जलाया तो वहीं भाजपाई कांग्रेस कार्यालय के सामने सीएम का पुतला लेकर पहुंचे। पुलिस ने पुतला छीना। आपको बता दें कि यूरिया की कमी पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी में राजनीति गहरा गई है। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों दल एक दूसरे के नेताओं का पुतला जलाने के लिए एक दूसरे के कार्यालयों पर जमा हो गए। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र चौबे के नेतृत्व में कार्यकर्ता जहां भाजपा कार्यालय पहुंचे तो भाजपा युवा मोर्चा भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कमलनाथ का पुतला लेकर पहुंच गई। जहां भाजपा कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा पदाधिकारी हाथ में डंडे लेकर खड़े हो गए। इसे देखते हुए पुलिस ने पहले ही कांग्रेसियों को रोक लिया। विरोध करते हुए कांग्रेस ने कार्यालय के पहले ही केंद्र सरकार का पुतला जला दिया। रविवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच दिन भर गर्मा गर्मी का माहौल चलता रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार द्वारा यूरिया की आपूर्ति रोकने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने पहुंची। इसके पहले ही भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के पास जमा हो गए। इसके बाद कांग्रेसियों ने कार्यालय के पहले ही पुतला जला दिया। शाम के वक्त जब भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के लिए पहुंचे और जैसे ही वे पुतले में आग लगाने लगे, पुलिस ने उनसे पुतला छीन लिया। आज समस्त युवा कांग्रेस साथी एवं वरिष्ठ युवा कांग्रेसी जन, नमस्ते। हम सब आज यहां पर भाजपा कार्यालय के बीच में, भाजपा कार्यालय सामने अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करने आए हैं। बीते समय मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन दिया, जिसके दम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में हमारी सरकारें आईं। सरकारें आते ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस शासित प्रदेशों में सौतेलापन किया जा रहा है, यूरिया और खाद की जो आपूर्ति वो रोकी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। लगातार इस प्रकार का हम कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जाते। आज जैसा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी द्वारा ये निर्णय किया गया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला केंद्र पर जिला कार्यालयों के बाहर जाकर केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से सरकार में रही, लेकिन कभी भी इस प्रकार का अनुचित प्रयास या अनुचित तरीके से ऐसे पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं किए गए। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम है। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है और वो कर सकता है, लेकिन इतनी भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अन्य पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी के घर में जाकर ऐसी कोई अनुचित व्यवस्था, अनुचित कार्यक्रम ना करें। उसी के जवाब में अभी NSUI के कार्यकर्ता गए थे धर्मासन के गड्ढे पर, जाकर उन्होंने पुतला दहन किया। उसी के खिलाफ में हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर 3 बत्ती पर कांग्रेस कार्यालय के सामने कमलनाथ जी का पुतला दहन किया।